एक टॉपिक है, ये टॉपिक जो है इसको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले बता रहा हूं, ठीक है? आप दिमागी बोझ नहीं लेंगे इसके अंदर। ये है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। और इसका एक ही रीजन है करने का कि भाई साहब हमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, इसके अलावा कोई इसको समझना या इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है? लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइप में हमें पूछा जाता है, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में पूछा जाता है। और ये यूज कहां होता है? ये यूज होता है भाई साहब, कंप्रेसिबिलिटी हमारा यूज होता है जहां पे कंप्रेसिबल फ्लो होता है, जहां पे कंप्रेसिबल फ्लो होता है। देखिए, कंप्रेस करना, किसी चीज को कंप्रेस किया जा सके उसको हम कंप्रेसिबल कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा इसमें सोचने की बात तो है नहीं। कंप्रेस करने की एबिलिटी, तो हमारे पास इसमें दो वर्ड आ रहे हैं बेटा, एक कंप्रेस और दूसरी क्या है उसकी, एबिलिटी। कंप्रेस करने की क्या है, एबिलिटी, कंप्रेस और एबिलिटी, ठीक है? तो कंप्रेस करने की एबिलिटी है कि हमारी चीज जो है वो कंप्रेस हो रही है या नहीं हो रही, बस सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो चीज है वो कंप्रेस हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है? इट इज एबिलिटी ऑफ, लिख लो, इट इज द एबिलिटी ऑफ, एबिलिटी ऑफ फ्लूड, फ्लूड टू कंप्रेस, कंप्रेस किया जा सकता है या नहीं, बस सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है। ओके, जो कंप्रेस किया जा सके वो कंप्रेसिबल फ्लूड, ठीक है? और एक इनकंप्रेसिबल, तो दो तरह के होते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूड, कंप्रेसिबल फ्लूड, और दूसरे होते हैं इनकंप्रेसिबल फ्लूड, इनकंप्रेसिबल। इन दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है, इसको आप कंप्रेस कर सकते हो, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो। जो मेरे पास बेटा सिंपल सी ये है कि जो गैसेस हैं उनको आप कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है? जितनी भी सारी गैसेस हैं, एयर है, ये जो है हमारे पास, ये कंप्रेस की जा सकती हैं। और जितने भी लिक्विड है, मोस्ट ऑफ द केसेस हम उनको, लिक्विड को क्या मान के चलते हैं, इनकंप्रेसिबल। ये क्या है, लिक्विड जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इनकंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड्स इनकंप्रेसिबल होते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास पानी है, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है, जैसे पानी की बात कर लो, वाटर है। कभी आपने ये सुना है कि 2 लीटर की पानी की बोतल लो, उसको दबा के 1 लीटर में भर लो, और जब उसको छोड़ो फिर वापस 2 लीटर की हो जाए, ऐसा होता है क्या? पानी की कभी करके देखा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। पानी भाई साहब, आप दबा के देखो, पानी 2 लीटर की बोतल ले लो, ठीक है? आप क्या करो, उसके ऊपर जितना वजन रख सकते हो, जोर रख सकते हो, रख लो भाई, वो नहीं दबेगा, नहीं दबेगा। जोर लगा लो, जितना जोर आपने लगा लो, आपके पानी की बोतल टूट जाएगी लेकिन पानी नहीं दबेगा कभी भी। हाँ, यही अगर बात करें एयर की, एयर दबाते हैं तो दब जाती है, वहीं पे कंप्रेस हो जाती है। ये हमने केसेस जो देखे थे ना बेटा, वो देखे थे हमारे पास, ये जैसे मैं कंप्रेसिबिलिटी के लिए एग्जांपल लाया था वैसे तो, ठीक है? ये देखो, अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है, हमने ये समझा था इसमें, तो हमारे पास कंप्रेस हो रहा है, ये देखो कंप्रेसिबिलिटी है, ये तो एयर है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो, बेटा मेन खेल किसका है, मेन खेल है हमारे पास मॉलिक्यूल्स का। बस गैस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं बेटा, ये मत सोच लेना कि भाई साहब मॉलिक्यूल्स तो आपस में एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब दुनिया में मॉलिक्यूल्स नहीं होते। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे दिखते नहीं हैं, लेकिन हैं, और वो अपनी एक शेप होती है उनकी, एक साइज होता है उनका, ठीक है? एक शेप होती है, एक साइज होता है, ऐसे नहीं है कि भाई साहब उनको हम माने ही ना, तो वो होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं होते, ठीक है? हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैं इस तरह से आपको दिखाता हूं, एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, इससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? एक छोटा सा कंटेनर बना लेते हैं, ठीक है? एक छोटा सा कंटेनर बना लेते हैं, इस तरह से हम बना लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से है, ठीक है? हमने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स डाले थे गैस के, अब गैस के मॉलिक्यूल्स को हमने दबाना स्टार्ट किया,
मॉलिक्यूल्स पहले दूर दूर थे, पहले क्या थे, दूर दूर थे, ऐसे दूर दूर थे। जब हमने इसको दबाना स्टार्ट किया, ये ऐसे थे ऐसे, तो ये एक दूसरे के पास आना स्टार्ट हो गए। ये क्या हो गए, एक दूसरे के पास ऐसे, ये एक दूसरे क्या हो गया, आस पास आना स्टार्ट हो गए। तो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस जो है इनका कम होने लग गया, ये पास आ गए जितना पास आ सकते हैं। और ये ऐसा भी नहीं है बेटा आप कहो कि और दबा दो गैस को, और दबा दो, और दबा दो, और दबा दो। भाई साहब जब आपस में मॉलिक्यूल टच कर गए तो दबना बंद कर देते हैं, वो दबना बंद कर देंगे, वो और ज्यादा नहीं दबा सकते अगर मॉलिक्यूल्स आपस में टच हो गए। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो खत्म कर दिया और आपस में टच हो गए। ये छोटे छोटे स्टोन की तरह आप समझ लो कि स्टोन है ये, ऐसे नहीं है। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं इस तरह से जब आपस में मिल जाते हैं इसके बाद तो वो कंप्रेस भी नहीं होते, कंप्रेस भी नहीं होते। अब आपको ये कहो कि सर ये कहाँ यूज होगा, ये होगा या नहीं होगा। पहली बात, हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ही कम रोल है इसका, हाँ, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है तो हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप ही मेन है हमारा। अब बात करते हैं तो यहां देखोगे, देखो एरिया हमारे पास ज्यादा था तो हमारे पास इसमें भी चेक करना मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, जैसे ही एरिया कम हुआ यहां मॉलिक्यूल्स पास हो गए। ये देखो मॉलिक्यूल्स पास में आ गए, तो यहां पे कंप्रेस हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं। तो एरिया हमारे पास जब कम हुआ मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए और वो कंप्रेस हो गए। ये देखो कंप्रेस, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो कंप्रेसिबल फ्लो में ये पढ़ते हैं, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा जो सिलेबस है बेटा बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स में कंप्रेसिबल फ्लो बहुत ही कम पूछा गया है, बहुत ही कम पूछा गया, ना के बराबर है कि हमें पूछा नहीं जाता उसके बारे में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे केसेस में ये चलता है। ओके नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चले। अब आ जाते हैं वापस हमारी कंप्रेसिबिलिटी पे। अब कंप्रेसिबल में बात करें तो हमारे पास कंप्रेसिबल फ्लो जो है, तो जितना ज्यादा हमारे पास कंप्रेस करना चाहते हैं हम उतना कर सकते हैं, कंप्रेस करते जाएंगे एयर या गैस को, इनकंप्रेसिबल नहीं, हम नहीं कर सकते। और इसको अगर लिखा जाए तो किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसकी डेफिनेशन छोटी सी है, उसके बाद क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल उल्टा है मतलब, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो आप में से कईयों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं पढ़ा, इलास्टिसिटी, जिन्होंने ही नहीं पढ़ा उनको ये नहीं पता कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है। कईयों ने नहीं पढ़ा होगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तो उनके लिए मैं बता देता हूं आपको, अगर आपने नहीं सुना इसके बारे में तो सुन लीजिए मेरा बच्चा। हमारे पास क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं वो देख लीजिए। अगर मान लीजिए एक मेरे पास इस तरह से कोई शेप है, मान लीजिए इस तरह से कोई शेप मान लीजिए, ठीक है, और इस शेप में हमारे पास क्या होता है कि ये इस तरह से बॉक्स बना लेता हूं बेटा, ठीक है, बॉक्स बना लेता हूं इस तरह से, ये एक बॉक्स है, ठीक है। इसको हम दबाते हैं बेटा, इसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो सब तरफ से दबा देते हैं, ये दबा दिए, ठीक है, इस तरह से दबा दिया, इस तरह से दबा दिया, ठीक है, इस तरफ से और इस तरफ से, ठीक है, आगे से भी और पीछे से भी, सब तरफ से अगर दबा दें इसको, तो इसके कारण क्या होगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। जब हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज करता है क्या करेगा, वॉल्यूम पहले से जितना था उससे डिक्रीज कर देगा। तो के जो होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो क्या होता है कि नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखो मेरे बच्चा, अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं पता इसके बारे में कि बल्क मॉडुलस क्या है, मैंने तो सुना भी नहीं, तो बेटा एक बार सोम वाली वीडियो में देख सकते हो आप, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको पता होना चाहिए, मुझे लगता है कि आप कई लोगों को तो पता होगा इसके बारे में, तो मैं ये मान के चलता हूं कि इसके बारे में आपको पता है, ठीक है, क्योंकि इसको समझाना भी अलग से एक टॉपिक बन जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, जो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस उसको ऐसे लिखते हैं,
वॉल्यूमेट्रिक चेंज होता है डीवी बाय वी होता है, डीवी बाय वी, चेंज ऑफ वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज ऑफ वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब मैं अगर बात करता हूं तो ये दबा रहा हूं, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा ना। पहले क्या वॉल्यूम था मान लीजिए 10 मीटर क्यूब, अब मैंने दबा के उसको कर दिया 5 मीटर क्यूब, कम हो गया ना, 5 - 10 क्या आ जाएगा, ठीक है। ये देखो मैं आपको करके दिखाता हूं, डीवी क्या हो जाएगा, मेरे के पास डीवी हो जाएगा 5 - 10, क्यों, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल मतलब V2 - V1 कर दिया, फाइनल जो है हमारे पास वो कम है, कम है क्योंकि दबा रहे हैं ना, कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, कंप्रेस करना है तो कंप्रेस करते हुए हमें दबाना ही पड़ता है ना, तो 5 - 10 मतलब -5 मतलब डीवी जो होगा वो माइनस में आएगा बेटा, यहां पे माइनस में आएगा। अब यहां पे क्या कहां यूज होगा, अब ये है मेरा बच्चा, इसमें हम केस में देखते हैं तो हमारे पास के, इसमें के जो है वो किस तरह से लिखेंगे, फ्लूड के केसेस में यहां पे स्ट्रेस नहीं होती, फ्लूड के केस में हम कोई स्ट्रेस नहीं देखते, कभी सुना है पानी को खींच लिया पकड़ के उसके मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कह रहा है नहीं है भाई छोड़ दे, पानी कभी टेंशन नहीं लेता, पानी को ऐसे खींचोगे खींचा गया, कभी ऐसे पानी की मॉलिक्यूल का नहीं टूटने दूंगा लगा जोर, ऐसे नहीं करता, ठीक है, उसके अंदर स्ट्रेसेस इस तरह से नहीं आते, वो अलग बात, सरफेस टेंशन वो अलग, धीरे धीरे पड़ेंगे, एक बार आप ये समझिए, ठीक है। हमारे पास क्या है कि उसको दबाते हैं तो वो कंप्रेस हो रहा है, मॉलिक्यूल क्या है उसके पास पास आ रहे हैं, कंप्रेस हो रहा है, तो उसके ऊपर दबाने से हमें क्या मिलेगा, प्रेशर, हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसकी नॉर्मल स्ट्रेस की जगह ऊपर क्या आ जाएगा, डीपी, चेंज ऑफ प्रेशर, चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है, चेंज ऑफ प्रेशर, और नीचे क्या आ जाएगा, वही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डीवी बाय वी, बस डीवी बाय वी, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, के, और हमारे पास जो बात कर रहे थे हम कंप्रेसिबिलिटी की, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी को हम लिखेंगे कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी उसको लिखेंगे बीटा से, किससे लिखेंगे, बीटा से, और बीटा क्या होगा, 1/k, 1/k। हमारे पास उल्टा होता है, बस k जो है हमने ये समझ लिया, लेकिन बीटा क्या है, 1/k है, बस इतनी सी बात समझिए आपको, अगर इतनी सी बात समझ आ गई तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, आई होप ये चीज क्लियर हो रही है आपको बेटा, 1/k होता है हमारे पास। अब आ जाता है खेल खेलने वाला, अब आ जाते हैं खेल खेलने वाली बातें, अब थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन आप ये याद रखिए कि इसमें से ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कि बीटा क्या है हमारे पास, वो 1/k है, 1/k, और के हमने अभी देखा है, के क्या है हमारे पास, के है डीपी, डीपी चेंज ऑफ प्रेशर अपॉन डीवी अपॉन वी, ये है माइनस डीवी अपॉन वी, ये है, ये माइनस में ही होगा हमेशा, क्योंकि ही होता है बेटा, ठीक है, माइनस में होगा। तो हमारे पास ये हो चुका है, नो इश्यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई यहां तक की दिक्कत है तो मुझे पूछ लो, मुझे पूछ लो, अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो बाद में आगे जाके छोटी 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 वो होते हैं ना डेफिनेशन ही है, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। और इसमें अब थोड़ा सा एक चीज लिखेंगे, अ फ्लूइड इज सेड टू बी, अ फ्लूइड इज सेड टू बी, इज सेड टू बी, स्टार लिख लेना, ठीक है, इज सेड टू बी इनकम्प्रेसिबल, सेड टू बी, टू बी इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल कहलाएगा कब, व्हेन, व्हेन, व्हेन बीटा इज जीरो, जब क्या होगा, बीटा इज जीरो, इफ बीटा इज जीरो, बीटा इज जीरो। लेकिन एक चीज नोट करो बेटा, बीटा अगर जीरो आएगा तो बीटा अगर, ये देखो बीटा अगर जीरो हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/k, इस तरह से आता है, तो क्या के क्या बन जाएगा, के बन जाएगा इनफाइनाइट, के क्या बन जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट हो जाएगा, के क्या हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो, ये क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू जीरो, बहुत बार पूछा गया है इसके बारे में, बहुत ही बार पूछा गया है, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? अगर आप, अगर आप में से कोई, कई बार बच्चे होते हैं, ठीक है, ये देख लो, अगर मैं पूरा लिख देता हूं इसको, कहीं आप कहो तो ये क्या हो गया, बीटा क्या हो गया बेटा, 1/k, ठीक है, लेकिन हमारे पास के इधर ले जाओ, बीटा दे देते हो, तो के क्या हो जाएगा, 1/β, तो बीटा क्या है, जीरो, बीटा क्या है, जीरो, बीटा जीरो है तो के क्या आ गया, इनफाइनाइट। तो हमें क्वेश्चन क्या आ जाता है, को लिख लेते हैं, तो इफ बीटा इज जीरो देन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। एनीवन, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते बेटा, ठीक है, ओके। ठीक है जी, ओके। एक और है बेटा, ठीक है, देखिए लिक्विड जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, इनकंप्रेसिबल होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था, लिख लीजिए फिर भी। लिक्विड्स आर जनरली, लिक्विड्स आर आर जनरली क्या होते हैं, जनरली इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल के लिए आप यहां पे लिख सकते हो कि ये हो सकता है। और इसमें एक और खेल खेल जाते हैं, जैसे मैंने उसमें आपको पिक्चर में दिखाया ना कि हमारे पास नोजल जो है हमारे पास छोटी हो रही है तो कंप्रेस हो रहा है, तो इसके केस में हमारे पास एक और आता है कि इनकम्प्रेसिबल जब होगा, जैसे आपने, मैंने आपको बोला था ना कि एम इज इक्वल टू 1 क्या होता है, सोनिक, ठीक है, एंड एम ग्रेटर देन 1 क्या होता है, सुपरसोनिक, ये बातें की हुई है ना हमने, सुपरसोनिक। अगर कोई चीज इनकंप्रेसिबल है ना तो उसका एम का नंबर लिख लो, एम लेस देन 0.3 होगा, बस एम लेस देन 0.3 होगा फॉर इनकंप्रेसिबल, फॉर इनकंप्रेसिबल। और ये पता नहीं कहां से उठा के बीच में इसको डाला हुआ है, ठीक है, लेकिन ये बेटा कभी कभी पूछ लेता है, इन कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल, ठीक है, इनकंप्रेसिबल, अगर कहीं ई कंप्रेसिबल, मैं स्पेलिंग गलत कर देता हूं कई बार, ठीक है, कंप्रेसिबल, ओके। तो हमारे पास इनकंप्रेसिबल होगा तो एम लेस देन 0.3 होगा, ये चीज नोट कर लीजिए, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमें हमेशा नोट करते रहना है, ठीक है, और आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिलेंगे, और आप फिर बोलोगे कि सर मजा आ गया, ये वाला पॉइंट जो था मेरे पास मिल गया मुझे, मिल गया मुझे। और बेटा एक और चीज है, एक और चीज यहां पे लिखेंगे, जो वाटर है, डेंसिटी, देखो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, एट 1 एटमोस्फेयर, एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर वो कितनी होती है, वो अप्रोक्स जो होती है वो 998 होती है बेटा, 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन हम इसको 1000 ही बोल देते क्योंकि बार बार भाई साहब 998 998 लिखने बजाय तो दो का डिफरेंस है, तो हम जब कैलकुलेशन, हाँ जो ओरिजिनल में जब साइंटिस्ट करते होंगे तो 998 ही लेते होंगे, लेकिन हम जैसों के लिए भाई साहब 1000 याद करना ही ईजी है, ठीक है, 1000 याद करना ईजी। अब अगर कहोगे सर नहीं, पानी को कंप्रेस करके देखो, क्या पता ये कंप्रेस हो जाए, बहुत ज्यादा फोर्स बढ़ाओ, बहुत ज्यादा फोर्स बढ़ाओ, और फोर्स बढ़ाओ, फोर्स बढ़ाओ, अगर हम इसको 100 टाइम्स कर दें, इफ वी इंक्रीज, इफ वी इंक्रीज, इंक्रीज प्रेशर, इंक्रीज कर दें क्या, प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज कर दें बाय बाय 100 टाइम, 100 टाइम, मतलब इसका जो अब प्रेशर है, अब प्रेशर कर दें 100 एटमोस्फेरिक, 100 गुना कर दें, तो पता है कितना हो जाएगा उसकी डेंसिटी, उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर देगी, हम दबा रहे हैं ना, दब जाएगा, आप मानोगे दब जाएगा, लेकिन कितना दब जाएगा ये देखो, अब जो डेंसिटी होगी इसकी वो हो जाएगी कितनी, सिर्फ 1003, सिर्फ 1003, इतना सा डिफरेंस पड़ेगा बस, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, हम तो 1000 ही मानते ना, तो 1000 से सिर्फ 1003 होगा बस, इतना सा डिफरेंस आएगा, आता है डिफरेंस, कंप्रेस होता है, लेकिन इसमें जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ आ रहा है परसेंटेज चेंज, जो है परसेंटेज चेंज आ रहा है
चेंज आ रहा है वो आ रहा है 0.05% इतना सा चेंज आता है बस। और इसको हम फिर क्या करते हैं कि इनकम्प्रेसिबल जैसा ही है, इतना सा चेंज को हम मानते नहीं है कि मान लीजिए आपकी जो सैलरी है पहले 20,000 थी, अब बढ़ गई आपकी सैलरी कितनी होगी 20,001 रुपए हो गई। अब यार क्यों यार सर मजाक कर रहे हो, है ना, है ना, आपको भूला जाए कि सैलरी बढ़ गई, सैलरी बढ़ गई तो ये पॉइंट इसको ना पॉइंट एग्जैक्ट लिखना वैल्यू बेटा, वैल्यू 0.5 है, ठीक है 0.05 नहीं 0.5 है, ठीक है 0.5 है सॉरी, ठीक है 0.5% है। तो अगर मैं कहूं आपको कि आपकी सैलरी बढ़ गई 20,002 रुपए हो गई, तो आप हो गए यार सर मजाक कर रहे हो आप, ठीक है इतना चेंज क्या, नाम बराबर ही है, आप तो घर पे जाके बताओगे भी नहीं, घर वालों को बेइज्जती करानी है क्या, घर वालों जाके पता लगे मिठाई का डब्बा लगे पापा सैलरी बढ़ गई तेरे बच्चे की कितनी हो गई, तो 20,000 थी ना अब 20,002 रुपए हो गई, साला पागल है आया बड़ा ये सैलरी बढ़ाएगा, तो निग्लिजिबल है, तो चेंज जो है वो बहुत निग्लिजिबल है, इसलिए हम इसको इनकम्प्रेसिबल ही मान लेते हैं, ठीक है इनकम्प्रेसिबल ही मान लेते हैं। आगे चले बेटा, आगे चले, ओके नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अब हमारे पास एक और चीज धीरे धीरे चीजें सामने आती जाएंगी, वैसे वैसे आप करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास इनकम्प्रेसिबल में हमने क्या माना था कि बीटा जो है वो क्या है, जीरो है, बीटा क्या है हमारे पास, जीरो है, बीटा जीरो है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसमें डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, डेंसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट है, डेंसिटी कॉन्स्टेंट है। देखो सीधी सी बात है बेटा, जब दबाया ही नहीं जा रहा तो इनकम्प्रेसिबल है ना, मतलब कई बार ना मैं हैरान होता हूँ, बच्चे इसको क्वेश्चन मानते हैं, इसको क्वेश्चन मानते हैं, बच्चे कहेंगे सर इनकम्प्रेसिबल के लिए डेंसिटी चेंज होगी कि नहीं हो, भाई ये खुद दिमाग लगा, जब कंप्रेस ही नहीं हो रहा डेंसिटी क्या चेंज होगी, जहां बैठा है वही है, कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं, कोई कुछ नहीं चेंज नहीं हो रहा, तो भाई क्यों वो होगा, ठीक है। तो इनकम्प्रेसिबल के लिए, इनकम्प्रेसिबल के लिए बीटा जीरो है और इसका डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी कांस्टेंट है, पहले डेंसिटी कितनी थी मान लीजिए 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अब दोबारा देखी तो डेंसिटी कितनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है तो चेंज कितना आया, चेंज कितना आया जीरो, तो डी रो कह देते हैं इसको, चेंज ऑफ डेंसिटी रो टू माइनस रो वन, तो कितना आया वो जीरो, तो डीरो इनके लिए डीरो क्या है जीरो, तो चेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ इनकम्प्रेसिबल इज जीरो चेंज, समझो। यहां क्या कह रहा है बेटा, यहां कह रहा है चेंज इज जीरो, यहां है चेंज, चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डेंसिटी क्या है कांस्टेंट है, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, लेकिन चेंज ऑफ डेंसिटी क्या है जीरो, कांस्टेंट है लेकिन चेंज ऑफ डेंसिटी क्या है जीरो है, है ना, अजीब सी बातें। तो ये बेटा कहीं ना कहीं आपको पूछा जाता है, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया, और अगर आप SSC JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलें।